सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ये नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो देखो, अभी तक ह्यूमन बॉडी में होने वाले बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कौन कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों? जैसे हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, राइट? तो इस चैप्टर में दो और सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सिस्टम है वो स्टूडेंट्स? एक तो है नर्वस सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और बड़ा मजेदार भी होता है। और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी अच्छा होता है, वो भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, हम ये भी पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो काम ये दोनों सिस्टम हमारे बॉडी में करते हैं वो काम प्लांट्स में कैसे होता है। सो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ स्टडी इन दिस चैप्टर। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझाता हूं। जैसे आप ये सिंपल से एग्जांपल लो स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहां पर ये लेडी जो है वो शॉपिंग करने गई है। लड़कियों को ऐसे भी शॉपिंग बहुत पसंद होती है। अब यहां पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आप देखो, इस लेडी की आंखों ने देखा इस ऑब्जेक्ट को जो शेल्फ पे रखा हुआ है, ठीक। तो लेडी की आंखों ने इस ऑब्जेक्ट को देखा, ये सिग्नल आंख से एक्चुअली लेडी के ब्रेन तक जाता है, ठीक। तो जो लेडी का ब्रेन होता है वो इसको एनालाइज करता है कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये काम का है कि नहीं, इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो सपोज को लेडी के माइंड ने ये एनालाइज किया कि हाँ ये ऑब्जेक्ट तो काम का है, इसको खरीदने की जरूरत है, ठीक है, ये तो मेरे बच्चे के लिए काम का है, ठीक। तो अब लेडी के ब्रेन ने लेडी के हाथ को सिग्नल भेजा कि यू हैव टू गेट अप एंड पिक दिस ऑब्जेक्ट। तो लेडी का हाथ जो है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे जाता है और उस ऑब्जेक्ट को पिक कर लेता है। अब यहां पर कितनी साइंस यूज हो गई है आप सोच के देखो, एंड दिस इज एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरा एग्जांपल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, कैसे आंख ने देखा कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, वो मैसेज समहाउ ब्रेन तक गया होगा, ब्रेन ने डिसीजन लिया कि ये खरीदना है, फिर उसने हाथ को ये ऑर्डर दिया कि आप जाके उस ऑब्जेक्ट को पिक कर लो। दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे और एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप ये देखो, ये क्रिकेट मैच हो रहा है और इस फील्डर ने वो बॉल कैच की, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे फिर से मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर क्या हो रहा है कि आदमी की आंख ने ये देखा कि बॉल आ रही है, फिर ये जो मैसेज है कि बॉल आ रही है वो समहाउ ब्रेन तक गया होगा, ब्रेन ने डिसाइड किया होगा कि अच्छा इस बॉल को तो कैच किया जा सकता है, तो उसने हाथ को नहीं पूरे बॉडी को ये मैसेज दिया कि आप लोग मूव करो, इस तरह से मूव करो कि बॉल को एग्जैक्टली कैच किया जा सके। तो मैसेज लेके हाथ और पूरी बॉडी मूव करती है और बॉल को कैच कर लेती है, राइट। So this is again an example, a great example of control and coordination. फिर स्टूडेंट्स और कुछ examples मैं आपको दूं, तो ये देखो सिंपल सा एक example देता हूं। इस केस में आप देखो कि क्या हो रहा है, आप देखो इस आदमी की आंखों को देखो, उसने अपनी आंखें इतनी बंद सी क्यों कर रखी है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पे क्या हुआ कि लाइट बहुत ज्यादा थी, ठीक है, तो ब्रेन ने ये डिसीजन लिया कि यार आंख की लाइट बहुत ज्यादा है तो आंख को थोड़ा बंद कर लेना चाहिए, तो आंख अपने आप ही बंद सी हो गई थोड़ी। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखो किसी भी हॉट चीज को जैसे हम छूते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स, बिना सोचे समझे अपने हाथ हटा लेते हैं वहां से। तो क्या हुआ है यहाँ पे, कोई भी जैसे ही हम हॉट चीज को छूते हैं हमारा ब्रेन ये डिसीजन लेता है कि ये हार्मफुल है तो हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। दिस अगेन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डे टू डे लाइफ में रोज एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जब हम चलते हैं, मैं चल रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरे पैर एक बिल्कुल सिंक में एक तरीके से मूव कर रहे हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं बिना गिरे, राइट स्टूडेंट्स। मेरे हाथ मैं मूव करा रहा हूं, मैं मार्कर से यहां पे लिख रहा हूं, दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सब कैसे होता है हमारे बॉडी में, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, एंड दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी सो फैसिनेटिंग एंड सो इंटरेस्टिंग। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सिस्टम में जो हमारे बॉडी के अंदर चलता है, अभी भी चल रहा है मेरे बॉडी के अंदर, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो नर्वस सिस्टम का होता है वो आप बड़े आसानी से समझ जाओगे, दैट इज ब्रेन। स्टूडेंट्स आपको तो पता ही, ब्रेन इज सच अ इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, सो इट्स अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. ये जो लंबे से आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, वो सब हम देखेंगे. आप देख सकते हो कि ये बॉडी के बीचों बीच से पास होता है, ऐसे बीचों बीच से पास होता है और आगे नहीं होता है, पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, जैसा कि यहां भी देख सकते हो, राइट. तो दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, पहला हो गया ब्रेन. तीसरा जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का, दैट आर नर्व्स. तो स्टूडेंट आप देखो, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से निकल रहे हैं, राइट. दे आर कॉल्ड नर्व्स एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. तो हमारे नर्वस सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन हो गया स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और नर्व्स हो गए, राइट. अब देखो, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हालांकि उसको बहुत क्लियरली नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है, बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट. कौन से वो ऑर्गन्स है? ऐसे पांच ऑर्गन्स है स्टूडेंट्स, ये पांच सुन के आपको समझ में आ गया होगा वो कौन से ऑर्गन्स है स्टूडेंट्स. सो आपको पता होगा, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी स्टूडेंट्स. कौन कौन से स्टूडेंट्स, देखो मैं लिखता हूं यहां पे, पहला है ईयर, राइट स्टूडेंट्स. दूसरा है आईज, और बताते जाए स्टूडेंट्स, नोज, और बोले और स्टूडेंट्स, टंग, नेक्स्ट वन स्किन. सो दीज आर फाइव सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी और ये नर्वस सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे ईयर क्या करता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ईयर जो है वो साउंड को सेंस करता है. आईज क्या करती है स्टूडेंट्स, वो देखने में मदद करती है, लाइट को सेंस करता है. नोज क्या करती है, स्मेल. टंग क्या करता है, टेस्ट को सेंस करता है. स्किन क्या करता है, टच को सेंस करता है. कोई चीज ने कुछ छुआ मुझे, ठीक है, किसी ने छुआ तो वो टच कौन सेंस करता है, स्किन. स्किन एक और भी काम करता है, वो टेम्परेचर को भी सेंस करता है. जैसे आप किसी गर्म चीज को छूते हो तो आपको पता चलता है गर्म है, ठंडी चीज को छूते हो तो पता चलता है कि वो ठंडी है, राइट. तो ये पांच सेंस ऑर्गन होते हैं, ये काम करते हैं और इनका ये जो फंक्शन है वो नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, उसके बिना नर्वस सिस्टम चल नहीं सकता है. इसलिए हम सोच सकते हैं कि ये भी नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट है. बट एज सच अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप इन्हीं तीनों का नाम देना, क्योंकि जनरली किताबों में इसको प्योरली नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं बोलते हैं, दो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. अब हमने ऑर्गन्स जान लिए, तो अब ये समझने का टाइम है कि ये सारे ऑर्गन्स मिलके कैसे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं. तो धीरे धीरे हम समझते जाएंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स क्या होता है, देखो रिसेप्टर्स जो है दे आर सम ग्रुप ऑफ सेल्स. वो क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो इन सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं. जैसे मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, ईयर जो है, ईयर तो ईयर में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं. और इनका काम क्या होता है कि इन्वायरमेंट में कोई साउंड से रिलेटेड चेंज हुआ, तो उसको वो सेंस कर लेते हैं, कोई साउंड आई तो ये सेल्स जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा कोई साउंड आई. वो ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये लाउड साउंड आई, ये कम लाउड साउंड आई, ये अच्छी साउंड आई, ये दूसरे टाइप की साउंड आई. तो ये सेल्स वो काम कर लेते हैं. सो दीज सेल्स इन दिस सेंस ऑर्गन आर कॉल्ड रिसेप्टर्स. वैसे हर सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं स्टूडेंट. जैसे आईज की हम बात करें तो हमारे आईज में भी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो लाइट को सेंस कर लेते हैं. वो ये पता कर लेते हैं कि लाइट ज्यादा है, कम है, किस कलर की है, राइट. सो दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स वन सेकंड. वैसे नोज जो है उसमें भी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं. टंग में ऐसे सेल्स होते हैं जो टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं. वो पता कर लेते हैं कि जो हमने खाया वो मीठा था, खट्टा था, कैसा था. स्किन में ऐसे सेल्स होते हैं जो ये पता कर लेते हैं कि अच्छा किसी ने छुआ नहीं छुआ, या टेम्परेचर कैसा है, कम है, ज्यादा है, राइट. तो रिसेप्टर्स क्या है, दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल दिस सेंस ऑर्गन्स एंड दे कैन एक्चुअली डिटेक्ट चेंज इन इन्वायरमेंट और दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट. हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, वही बात मैंने लिखी है जो मैंने आपको बताया. तो रिसेप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो इन सेंस ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. उन रिसेप्टर से ही ईयर को ये पता चलता है कि अच्छा कोई साउंड आई और कैसी साउंड आई. उन रिसेप्टर से ही आई को ये पता चलता है कि अच्छा कोई लाइट आई तो कैसी लाइट आई. उन रिसेप्टर से ही टंग को ये पता चलता है कि कोई टेस्ट है तो कैसा टेस्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स. और आप देखो ईयर में जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फोनोरिसेप्टर्स. फोनोरिसेप्टर, फोनो वर्ड का मतलब ही होता है साउंड बेसिकली.
आईज में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट एक्चुअली। नोज में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। टंग में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। स्किन में जो होते हैं उनको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। आई होप यू गेट दिस। और ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे न्यूरॉन। तो देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ छोटे 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 टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने रिसेप्टर्स बताया आपको, अब मैं न्यूरॉन बताने वाला हूं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और आप बाद में देखेंगे सबको कंबाइन करके कैसे कितने अच्छे तरीके से और बहुत मजे में हम पूरा नर्वस सिस्टम समझ लेंगे कि कैसे वो वर्क करता है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, तो फोकस करते हैं अब इस न्यूरॉन पे। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता है ना कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है। कोई भी ऑर्गन उठा के हम देखेंगे तो वो एक्चुअली सेल्स से बना हुआ है। तो वही चीज ट्रू है हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स के साथ भी, राइट। जैसे आप इन नर्व्स की बात करो तो ये जो नर्व्स है वो भी सेल्स से बने। तो जिस टाइप के सेल से वो बने हुए ना, वो एक्चुअली न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन एक टाइप का सेल है बेसिकली। वो नॉर्मल सेल से थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, बट है वो एक टाइप का सेल ही स्टूडेंट्स, ठीक। जैसे ये नर्व जो है वो पूरी तरीके से न्यूरॉन्स से बने होते हैं। उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, ठीक। इनफैक्ट स्टूडेंट, जो ब्रेन है उसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, राइट स्टूडेंट्स। तो न्यूरॉन्स आर एक्चुअली, हम लिख भी सकते हैं, न्यूरॉन्स आर द टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन द ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कई बार न्यूरॉन को यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो तो सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम के। सो न्यूरॉन इज कॉल्ड यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो अब देखते हैं कि ये जो न्यूरॉन है वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये एक सेल है स्टूडेंट, सेल। देखो जनरली जब मैं सेल की बात करता हूं तो आपको इस टाइप का सेल दिमाग में इमेजिन होता होगा, क्योंकि बॉडी में ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, इस स्ट्रक्चर के होते हैं, राइट। बट आप देखो ये जो न्यूरॉन सेल है वो थोड़ा अलग है। उसकी ये टेल टाइप जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको बिल्कुल ही अलग दिख रही होगी, राइट स्टूडेंट। तो इसलिए आपको बोल ही रहा था ना कि न्यूरॉन थोड़ा अलग टाइप का सेल होता है। तो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले आप ये वाला जो उसका पार्ट है वो देखो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्मल सेल से मिलता जुलता होता है। उसमें आप देखो बीच में एक न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सेल में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम बोलेंगे कि सेल की बॉडी है। क्या है ये? सेल की बॉडी। अब देखो इसमें आप जो नई चीज देख पा रहे होगे कि इसमें ये ऐसे ना एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, ठीक है, फाइबर टाइप एक्सटेंशंस निकले हुए। इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहां से निकले होते हैं, डेंड्राइट्स। इनका क्या रोल है मैं आपको बताऊंगा। फिर आप देखो यहाँ पे एक टेल टाइप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर आप देखो ये उसका एंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, ठीक, इसको बोलते हैं एक्सॉन एंड्स। समझ में आ रही बात? तो स्टूडेंट्स आप देखो ये जो सेल है इसके तीन पार्ट्स हैं ऐसा बोला जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या है? सेल बॉडी, जो कि नॉर्मल सेल जैसा है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब है। दूसरा पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? डेंड्राइट्स, जो मैंने आपको बताया, डेंड्राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट द स्पेलिंग, डेंड्राइट्स। और थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है पूरी टेल, दैट इज एक्चुअली एक्सॉन, ठीक। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स इन विच you can actually think of this entire structure of a neuron, right? तो students, अगर drone study की ये videos आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप please इनको like करें, subscribe करें, comments लिखें, students अपने thoughts बताएं, हमारे साथ share करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं students, सबसे important नीचे share button पे click करें और अपने दोस्तों के साथ इन videos को WhatsApp और Facebook पे share करें students, ताकि वो भी इन videos का फायदा उठा सकें students, right?